हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 10 जिसका नाम है काबुली वाला, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं ये कहानी स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पाठ का नाम काबुली वाला रखा गया है। तो ये जान लें कि यहाँ पर ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो काबुल से आया हुआ है। एक व्यक्ति रहता है काबुल से आया हुआ है। अब वो काबुल से आया है क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए। जैसे तमाम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे अपना सामान बेचते हैं, कुछ करते हैं, पैसा इकट्ठा है या एक तरह से कह सकते हैं कमाने के लिए। उसके बाद एक निश्चित समयांतराल पे वो फिर वापस काबुल जाता रहता है। लेकिन एक बार की ये घटना है कि वो आया हुआ था यहाँ और उस समय क्या घटित हुआ, तो जो जो उसके साथ घटित हुआ है उसी चीज का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये कहानी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत रोचक कहानी है ये। अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में तो आएगा ही, साथ ही साथ ये अच्छा भी लगेगा। तो डियर स्टूडेंट आप इसे ध्यान से सुनेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 10 काबुली वाला। तो देखें, दिया है माई 5 ईयर ओल्ड डॉटर्स मिनी कैन नॉट लिव विदाउट टॉकिंग। देखें दिया है कि माई 5 ईयर ओल्ड डॉटर, मेरी 5 वर्ष की पुत्री, उसका नाम है मिनी, मेरी 5 वर्ष की पुत्री मिनी कैन नॉट लिव, नहीं रह सकती है विदाउट, बिना टॉकिंग, बात किए, वो बिना बात किए नहीं रह सकती है। कौन? मेरी 5 वर्ष की पुत्री। कुछ लोग इतने बातूनी होते हैं कि एकदम वो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। तो उसी तरह की ये मिनी है, तो बिना बात किए वो रह ही नहीं सकती। तो वही बता रहा है कि मेरी 5 वर्ष की पुत्री मिनी बिना बात किए नहीं रह सकती है। हर मदर इज ऑफन एनॉयड एट दिस एंड वुड लाइक टू स्टॉप हर टॉकिंग। उसकी माँ इज ऑफन एनॉयड, ऑफन अक्सर, प्रायः उसकी माँ अक्सर क्रोधित हो जाती है एट दिस, इस पर, किस बात पर कि वो हमेशा बोलती रहती है, बात करती रहती है। उसकी माँ अक्सर इस पर क्रोधित हो जाती हैं एंड वुड लाइक टू स्टॉप हर टॉकिंग, और रोकना चाहती हैं हर टॉकिंग, उसके बात को, और उसके बात को रोकना चाहती हैं। इट इज अननेचुरल फॉर मिनी टू बी क्विट एंड आई कैन नॉट बियर इट। इट इज अननेचुरल, इट यह इज है अननेचुरल, अप्राकृतिक, यह अप्राकृतिक है। क्या? फॉर मिनी, मिनी के लिए, क्या? टू बी क्विट, शांत रहना, मिनी के लिए शांत रहना यह एक अप्राकृतिक है। बट एंड आई कैन नॉट बियर इट, और मैं इसे सहन नहीं कर सकता। क्या नहीं सहन कर सकता? कि वो चुपचाप रहे, उनको अच्छा लगता था। किसको? उनके, उसके पापा को, किसके? मीनी के। तो वही क्या, लेकिन उसकी माँ अक्सर नाराज हो जाती थी, क्रोधित हो जाती थी और डांटती भी रहती थी। एक बार हुआ क्या, वन मॉर्निंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ये बता रहा है एक बार की कहानी कि वन मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ राइटिंग द 17th चैप्टर ऑफ माय बुक, माय लिटिल मिनी केम क्विकली इनटू द रूम, पुट हर हैंड इन माइन एंड सेड, फादर रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स ए क्रो, ही डज नॉट नो एनीथिंग, डजंट पढ़ सकते हैं एनीथिंग, डज ही कह रहा है। उदाहरण के लिए, एक सुबह व्हेन आई वाज
इन द मिडिल आई मैं वाज था इन इन द मिडिल बीच में मध्य में ऑफ राइटिंग लिखने के द 17th चैप्टर 17वें पाठ ऑफ माई बुक अपने किताब के कह रहा है कि उदाहरण के लिए एक सुबह जब मैं अपने किताब के 17वें चैप्टर के मध्य में था तो माई लिटिल मिनी मेरी छोटी मिनी केम आई क्विकली धीरे से इनटू द रूम कमरे में तो मेरी छोटी मिनी धीरे से कमरे में आई पुट हर हैंड इन माइन पुट रखी हर हैंड अपने हाथ को इन माइन मुझ पर और मुझ पर अपने हाथ को रखी एंड सैड और कही कि फादर रामदयाल रामदयाल कौन द डोर कीपर कॉल्स ए क्रो क्रो कहिए कि पापा रामदयाल जो कि एक द्वारपाल है वो कौवे को क्रो मीन्स होता है कौवा क्रो ये क्रो बोलेंगे ये क्रो यानी इसका मीनिंग होता है कौवा कही हाथ रख करके कि पापा द्वारपाल रामदयाल कौवे को क्रो कहता है क्या बोली कि पापा जो द्वारपाल रामदयाल है वो कौवे को क्रो कहता है ही डज नॉट नो एनी थिंग्स डज ही डज नॉट नो वो नहीं जानता है ही डजंट नो वो नहीं जानते हैं या नहीं जानता एनी थिंग कुछ भी डज ही जानता है ऐसे बोलेंगे इसको कि वो कुछ नहीं जानते हैं जानते हैं ऐसे वो पूछी अपने पापा से फिर हुआ क्या सी हैड क्विकली टर्न्ड टू अनदर सब्जेक्ट और इतना पूछने के बाद अभी उत्तर मिला ही नहीं फिर पूछी सी हैड क्विकली टर्न्ड वो तेजी से मुड़ गई या पहुंच गई या चली गई टू अनदर सब्जेक्ट दूसरे विषय पे क्यों क्योंकि यही तो उसका स्वभाव था बड़ा 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 करते रहना एकदम बातूनी थी वो तो वही कह रहा है कि वो तेजी से दूसरे विषय पर पहुंच गई और क्या पूछी कि व्हाट डू यू थिंक फादर बोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक कह रहा है एंड दैट इज व्हाई इट रेंस कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक फादर पापा आप क्या सोचते हैं भोला सेज भोला कहता है देयर इज एन एलिफेंट कि एक हाथी है इन द क्लाउड्स बादलों में भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है ब्लोइंग वाटर ऑफ हिज ट्रंक और अपने सूंड में ट्रंक मीन्स होता है सूंड और अपने ट्रंक में पानी लेकर के बहाती है एंड दैट इज वाई और इसी कारण से और इसीलिए इट रेंस वर्षा होती है और इसीलिए वर्षा होती है कही कि भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है और वही अपने सूंड से पानी को बहाती है और इसी कारण से वर्षा होता है देखें आगे दिया हुआ है देखेंगे आप यहाँ पे एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा सी हैड क्विकली टर्न्ड वो तेजी से दूसरे विषय पे आ गई व्हाट डू यू थिंक फादर और पूछी कि पापा आप क्या सोचते हैं भोला कहता है कि देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स की बादलों में एक हाथी है और ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ हिज ट्रंक और अपने सूंड से पानी को बहाती है एंड दैट इज वाई और इसीलिए इट रेंस और इसीलिए वर्षा होता है अब देखेंगे आगे क्या कह रहा है देखें दिया है एंड व्हाइल आई सेट स्टिल ट्राइंग टू थिंक ऑफ सम आंसर टू दिस सी थॉट ऑफ समथिंग न्यू कह रहा है कि एंड व्हाइल और जब आई मैं सेट बैठा स्टिल अभी तक ट्राइंग प्रयास करते हुए टू थिंक सोचने के लिए अब सम आंसर टू दिस इसके कुछ उत्तर को कह रहा है और जब मैं इसके कुछ उत्तर को सोचने के प्रयास करते हुए बैठा तो सी थॉट ऑफ समथिंग न्यू तो वो कुछ नया सोची
क्या कि फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू सी आस्क, तो वो पूछी। अर्थात मैं अभी उसके उत्तर को सोचने के प्रयास में बैठा ही था, तो फिर वो पूछे कि पापा व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, व्हाट रिलेशन इज, क्या संबंध है मदर माता का टू यू आपसे, यानी कि मम्मी का आपसे क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, कौन पूछी, मीनी। ऐसे ही तीन चार प्रश्न ला करके उनसे पूछ बिना उत्तर प्राप्त किए। अब देखें होता क्या है, एट लास्ट जब ये प्रश्न पूछी कि पापा मम्मी का आपसे क्या संबंध है, हुआ क्या, एट लास्ट आई सेड सोलेमली, कह रहा कि अंत में मैंने गंभीरता से कहा, सोलेमनली गंभीरता से, अंत में मैंने गंभीरता से कहा गो एंड प्ले विद भोला मिनी आई एम बीजी, कहा मैंने कि मिनी जाओ और भोला के साथ खेलो, आई एम बीजी मैं व्यस्त हूं, क्यों, क्योंकि मैं तो कुछ काम कर रहा था, 17वें चैप्टर के मध्य में था। द विंडो ऑफ माई रूम ओवर लुक्स द रोड, द विंडो खिड़की ऑफ माई रूम मेरे कमरे की ओवर लुक्स देखता था द रोड सड़कों को, यानी कि मेरे रूम की कमरे मेरे कमरे की खिड़की सड़कों को देखता था, अर्थात आशा यह है कि मेरे कमरे की खिड़की से सड़क दिखता था। द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली, द चाइल्ड बच्ची हैड सीटेड बच्ची ने बैठा लिया था हरसेल्फ स्वयं को एट माई फीट मेरे पैरों पर नियर माई टेबल मेरे मेज के पास, कह रहा है कि बच्ची ने स्वयं को मेरे टेबल के पास मेरे पैरों पर बैठा लिया था एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली और सुगमता से खेल रही थी, कौन मीनी। सडनली मीनी लेफ्ट हर प्ले एंड रैन टू द विंडो क्राइंग, कह रहा कि अचानक सडनली मीनी यानी कि मीनी लेफ्ट छोड़ दी हर प्ले अपने खेल को, अचानक मीनी ने अपने खेल को छोड़ दी और खिड़की के पास दौड़ी क्राइंग चिल्लाते हुए खिड़की के पास दौड़ी, क्या चिल्लाते, ए काबुली वाला ऐसे चिल्लाते हुए जैसे बच्चे किसी को देखते हैं तो ऐसे ही बुलाते हैं, ए काबुली वाला, जैसे को काबुल से आया हुआ था इसलिए, जैसे कोई भी और सामान विक्रेता हो जैसे कबाड़ी, ए कबाड़ी वाला, ऐसे करके बच्चे बुलाते हैं, सेक उसी तरह से ये बच्ची बुलाई, ए काबुली वाला। एंड इंडीड इन द स्ट्रीट बिलो देयर वॉज ए काबुली वाला, ऐसे ऐसे करके चिल्लाए और वास्तव में गली में नीचे एक काबुली वाला था, और वास्तव में इंडीड वास्तव में इन द स्ट्रीट बिलो यानी कि गली में नीचे क्या था, दरवाजे काबुली वाला एक काबुली वाला था। ही कैरीड ए बैग ऑफ हिज बैग एंड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड्स, कह रहा कि ही कैरीड वो लिया था ए बैग एक झोला ऑफ हिज बैक अपने पीठ पर, वो अपने पीठ पर एक झोला और बॉक्स किसका ऑफ ग्रेप्स अंगूरों का इन हिज हैंड और अपने हाथ में, कह रहा है कि वो अपने पीठ पे एक झोला और अपने हाथों में अंगूरों का बॉक्स लिया हुआ था, कौन, काबुली वाला। अब देखें क्या होता है, आई कैन नॉट टेल व्हाट माई डॉटर फील्ड when she saw this man, but she began to call him loudly. कह रहा है कि आई डोंट टेल, मैं ये नहीं बता सकता कि what my daughter felt, कि मेरी पुत्री ने क्या महसूस किया when she saw this man, जब उसने इसे आदमी को देखा, कह रहा है कि मैं ये नहीं बता सकता हूं कि मेरी पुत्री ने जब उस आदमी को जब इसी आदमी को देखा तो क्या महसूस किया, मैं ये तो नहीं बता सकता। बट सी बिगेन टू कॉल हिम लाउडली, लेकिन वो उसे जोर जोर से बुलाना शुरू करती, जोर जोर से बुलाने लगी।
थाट आई, मैंने सोचा, अरे मैंने सोचा क्या ही विल कम इन, मैंने सोचा अरे वो अंदर आएगा, ही विल कम, वह आएगा इन अंदर, वो अंदर आएगा, एंड माई 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, और मेरा 17वां चैप्टर कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं तो 17वें चैप्टर के मध्य में था, अभी वो कभी पूरा नहीं होगा। अरे आ जाएगा तो अभी आके ही बैठ जाएगा, आधा घंटा फिर गया 17वां चैप्टर। तो वही चीज कह रहा है यहाँ। एट दैट मोमेंट ऑफ द काबुली वाला टांट, एट दैट मोमेंट, उसी क्षण ऑफ द काबुली वाला टांट, काबुली वाला ने या काबुली वाला मुड़ा, ठीक उसी क्षण पर काबुली वाला मुड़ा एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, एंड लुक्ड अप और देखा एट द चाइल्ड, किसको, बच्ची को, और उस बच्ची को देखा, किस बच्ची को, मीनी को, क्योंकि मीनी ने उसे बुलाया था। अब देखेंगे क्या कह रहा है कि वेन सी सा दिस सी वाज ओवरकम विथ टेरर, जब सी सा वह देखी दिस यह, जब उसने ये देखा तो सी वाज ओवरकम विथ टेरर, सी वाज वो थी ओवरकम विथ टेरर, भय से डर गई थी। ओवरकम मतलब होता है भयभीत तो होना या डरना, या टेरर आतंक विथ से, वो आतंक या भय से डर गई, भयभीत तो हो गई, वो डर में आ गई का मतलब वही है भयभीत तो हो गई। एंड रनिंग टू हर मदर्स प्रोटेक्शन डिसअपीयर्ड, एंड रनिंग और दौड़ते हुए किसके पास, टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, अपनी माता के संरक्षण में, और अपनी माता के संरक्षण में दौड़ते हुए जाकर के डिसअपीयर्ड हो गई, गायब हो गई, छुप गई। सी हैड ए ब्लाइंड बिलीफ दैट द बिग मैन कैरीड टू और थ्री चिल्ड्रेन लाइक हर सेल्फ इन साइड दिस हिज बैग, सी हैड ए ब्लाइंड बिलीफ, उसे एक ब्लाइंड अंधा विश्वास, उसे एक अंधविश्वास था दैट कि द बिग मैन कैरीड, वह बड़ा आदमी लिया हो, टू और थ्री चिल्ड्रेन, दो या तीन बच्चे, लाइक हर सेल्फ, उसकी तरह से, इन साइड हिज बैग, अपने झोले के अंदर, उसे अंधविश्वास था कि यह बड़ा आदमी अपने झोले के अंदर उसी के जैसे दो तीन बच्चों को लिया हो। मीन वाइल द फ्रूट सेलर इंटर्ड माई डोर, और इसी बीच, मीन वाइल और इसी बीच, उस फल विक्रेता ने इंटर्ड प्रवेश किया माई डोर वे, मेरे दरवाजे पर, और इसी बीच उस फल विक्रेता ने मेरे दरवाजे पर प्रवेश किया। अब देखें क्या होता है, मिनी कॉल, मिनी हेड कॉल, देखें दिया है, अब मिनी हेड कॉल द मैन टू द हाउस, सो आई डिसाइडेड दैट आई मस्ट बाई समथिंग, मिनी हेड कॉल्ड, मिनी ने बुलाया था दैट मैन, उस आदमी को, टू द हाउस, घर पर, घर पर मिनी ने उस आदमी को बुलाया था, सो इसीलिए आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया दैट कि आई मस्ट बाई समथिंग, कि मुझे कुछ खरीद लेना चाहिए। बच्चे होते हैं, किसी चीज को देखते हैं तो बुला देते हैं, और वही चीज इसने किया। अब देखें क्या होता है, तो वही इसके पिता ने सोचा कि चूंकि मीनी ने उसको घर पे बुलाया है, तो मुझे, मैंने कुछ खरीदने का निर्णय, मैंने निर्णय किया कि मुझे कुछ खरीदना चाहिए। आई बॉट सम स्मॉल थिंग्स एंड वी टॉक टूगेदर फॉर ए टाइम, आई बॉट, मैंने खरीदा सम स्मॉल थिंग्स, कुछ छोटी चीजों को, एंड वी टॉक टूगेदर, और हम साथ साथ बात किए, फॉर ए टाइम, एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और हम लोगों ने थोड़े समय के लिए बात की, कौन कौन, काबुली वाला और उसके पापा। एज ही वॉज अबाउट टू लीव, एज, जब ही वॉज अबाउट टू लीव, वो जब वो जाने वाला था, तो ही आस्क, वो पूछा, एंड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर, कह रहा है कि ये लोग जब बात कर लिए उसके पापा और वो काबुली वाला, तो जब ये जाने वाला था, तो वह पूछा,
और वो छोटी बिटिया कहाँ है श्रीमान, वेयर इज, कहाँ है द लिटिल गर्ल, छोटी पुत्री, छोटी बिटिया सर श्रीमान, कि श्रीमान वो छोटी बिटिया कहाँ है जिसने मुझे बुलाया है, दिख नहीं रही है कहीं। तब देखें हुआ क्या, आई कॉल्ड मिनी, मैंने मिनी को बुलाया, सी स्टूड बाय माई चेयर, सी स्टूड, वो खड़ी हो गई बाय माई चेयर, मेरे कुर्सी के बगल में, मेरे कुर्सी के पास, एंड लुक्ड एट द मैन फियरफुल्ली, और वह उस आदमी को देखी फियरफुल्ली, भयभीत होकर के, डरे सहमे। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ही ऑफर्ड, उसने प्रस्ताव किया हर उसे नट एंड ड्राई फ्रूट्स, किसके लिए, अखरोट और सूखे फलों के लिए, उसने अखरोट और सूखे फलों को देने के लिए उसे प्रस्तावित किया, बट सी वुड नॉट बी टेम्पटेड, लेकिन सी वुड नॉट बी, वो नहीं हुई टेम्पटेड, ललचाई, लेकिन वो ललचाई नहीं, या वो ललायत नहीं हुई। ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, उसका पूरा संदेह बढ़ गया, किसका, मीनी का, क्या संदेह था कि उसके थैले में उसी के तरह दो तीन छोटे छोटे बच्चे होंगे। एंड सी क्लंग क्लोजर टू मी, और सी क्लंग, वो सटकर खड़ी हो गई क्लोजर, नजदीक टू मी, मेरे, और वह मेरे एकदम पास सटकर खड़ी हो गई, कौन, मीनी, किसके, अपने पापा के। अब देखें क्या होता है, दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग, दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, यह उनकी पहली मुलाकात थी। अब देखें क्या होता है, दिया हुआ है कि देखेंगे, वेन आई वॉच, यानी कि जब ए, हाँ आप देखें, वेन आई वॉज लीविंग द हाउस अ फ्यू मॉर्निंग लेटर, आई फाइंड मिनी सीटिंग नियर द डोर, लाफिंग एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबुली वाला। कह रहा कि जब मैं जा रहा था, या जब मैं छोड़ रहा था किसको, द हाउस, घर को, अ फ्यू मॉर्निंग लेटर, कुछ सुबह देर से, यानी कि जब मैं सुबह कुछ देर से, ऐसे कहें ज्यादा बेहतर होगा, जब मैं सुबह कुछ देर से घर से जा रहा था या घर को छोड़ रहा था, तो आई फाइंड, मैं पाया, मिनी सीटिंग नियर द डोर, यानी कि मिनी दरवाजे के पास बैठ करके, लाफिंग एंड टॉकिंग, हंसते हुए और बात करते हुए, विद द ग्रेट काबुली वाला, उस बड़े काबुली वाले के साथ। कह रहा है कि जब मैं सुबह देर से घर छोड़ रहा था, तो मैं मिनी को दरवाजे के पास बैठ करके हंसते और बात करते हुए, उस ग्रेट यानी उस बड़े काबुली वाला के साथ हंसते और बात करते हुए पाया। अर्थात जब मैं देर से जा रहा था, तो मैं ये देखा कि मिनी हंस हंस के बात कर रही थी उस काबुली वाला से दरवाजे के पास बैठकर। लेकिन पहली मुलाकात में इतनी डरी सहमी थी वो छोटी सी बच्ची, कि वो अपने पापा के पास दूर से ही उसे घूर रही थी, देख रही थी। लेकिन ये क्या, ये तो अब उसके साथ हंस हंस के बात कर रही है। My small daughter had never in all her life found such a patient listeners except her father. My small daughter, मेरी छोटी पुत्री, had never in all her life, अपने पूरे जीवन में never, कभी नहीं found पाया such a patience listener, इतना धैर्यशाली श्रोता, except her father, सिवाय अपने पापा के। कह रहा है कि मेरी छोटी पुत्री ने सिवाय अपने पापा के इतना धैर्यशाली श्रोता अपने पूरे जीवन में कभी नहीं पाया था। अर्थात उसकी बात को इतना बोलती थी कि कोई उसके बात को मन से सुनता नहीं था, लेकिन सिवाय उसके पापा के। लेकिन ये काबुली वाला बड़े ही धैर्य से उस बच्ची के साथ बात कर रहा था, तो वही चीज उसके पापा ने देखा। द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वॉज ऑलरेडी फिल्ड
with nuts and fruits which her visitor had given her. कह रहा है, the corner of her little saree, उसके छोटी से साड़ी के कोने में, was already filled, वो पहले से ही भरा हुआ था with nuts and fruits, अखरोट और फलों से, which जिसे her visitor, उसके मेहमान ने, had given her, उसे दिया था. कह रहा है, उसके छोटे से साड़ी के कोने में पहले ही अखरोट और फल भरे हुए थे जिसे उसके मेहमान ने उसे दिया था. अब देखें क्या होता है कि why did you give her those, I said. तो मैंने पूछा, मैंने देखा कि यार उसके वो बांध के रखा हुआ है. मैंने पूछा कि why did you give her those, यानी कि उन चीजों को तुमने या आपने उसे क्यों दिया, क्या आवश्यकता है देने की. And taking out eight आना पैसे, I gave it to the man. और इतना बात कह करके कि उन चीजों को आपने उसे क्यों दिया, I said, मैंने ये कहा, और taking out बाहर निकालते हुए कितना, आठ आना मतलब 50 पैसा, और आठ आना पैसे निकाल करके मैंने इसे उस आदमी को दे दिया. आई गेव इट टू द मैन, मैंने इसे उस आदमी को दे दिया. ही एक्सेप्टेड द मनी विदाउट आर्गुमेंट, ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया द मनी, धन को, विदाउट, बिना आर्गुमेंट, तर्क के, एंड पुट इन टू हिज पॉकेट, और अपने जेब में, अपने थैले में रख लिया. अब यहां तक ये कहानी है, यहीं पर हम कहानी को विराम देते हैं. चूंकि ये कहानी बहुत लंबी है और एक वीडियो में इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, तो यहां तक आप दोहराएंगे. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा. अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं. धन्यवाद.